तो हम अभी बारना गांव के जो हमारे सरपंच साहब हैं उनसे मिल लेते हैं। मैं तो किसी को नाम भी नहीं जाता, भी पूछ लूंगा मैं। और क्या कुछ रहता है इस गांव का, कुछ पूछ कर क्या नाम है सर आपका? वैसे तो मेरा तीजा सरपंच है शिव कुमार। अच्छा जी। मेरा नाम नारायण दत्त है, मैं उसका सहयोग करता हूँ और काम देखता हूँ। अच्छा जी। और विधायक जी सुभाष जी सबसे विधायक हैं। जी तो सुभाष दादा जी कितना सहयोग कर रहे हैं आप? सहयोग जो 60 साल से सड़कें नहीं बनी थी हमारे गांव में जो जोड़ने का, बहुत ही प्रयासों से हमने बहुत MLA आए मंत्री बने, लेकिन किसी ने हमारी सुध नहीं ली और सड़कें तैयार करके उन्होंने महीने दो महीने के अंदर ही इतनी तेजी से काम किया और वो बना दी गई। और ये स्कूल जो हम देख रहे हैं अपना, ये प्राइमरी स्कूल है, पिछले साल ये जिला में भी फर्स्ट आया था और अब भी फर्स्ट आया है। अच्छा। हाँ जी, जो इसने इन्होंने टाइलें लगाई, चार दीवारी कमरे सब इन्हीं के सहयोग से बन रहे हैं। और ग्रांट हमारे इसमें PHC भी इन्होंने बना दी, करोड़ों के हिसाब से CHC बना दी, CHC बन गई और करोड़ों के हिसाब से, मतलब तो जो यदि पहले पूछते तो टोटल करके ले आता हूँ, करोड़ों के हिसाब में ग्रांट हमें मिली है। वैसे CHC बनने के लिए कितने घर की खाने पड़े, सच्ची बता? हम तो एक दो बार गए, विधायक जी नहीं किया सब कुछ, विधायक जी चंडीगढ़ जाते थे, हम तो यहाँ बैठे बैठे फोन करते थे, सर जी हमारी CHC बना दो, CHC बना दो। उन्हीं के कर कमलों द्वारा, उन्हीं के प्रयासों से CM से मिलते थे वो, फिर वो ग्रांट आके 5.5 करोड़ रुपए उनके अलाट किए और बनकर अगले इस चुनाव के बाद उसका उद्घाटन हो जाएगा। जोरों से काम चल रहा है, बनकर तैयार हो चुकी है, संतुष्ट हमारे संतुष्ट है जी। गौशालों में भी योगदान दिया, ट्रैक्टर ट्राली भी दी, मशीन दी चारा काटने की 3.5 लाख की। अच्छा जी। हाँ जी, 29 लाख की व्यायामशाला बन चुकी है हमारे गाँव में पल्ली साइड में, और गड़ियाँ सारे सब कुछ। इस स्कूल में आपका भी योगदान था, जो हमारे टीचर्स हैं करेंगे इस स्कूल में, हमारे जो गांव के सरपंच हैं उनका भी अहम योगदान है, क्योंकि हम सरकार तक नहीं जाएंगे वो अलग विषय हो जाता है। आपको कैसा लगा इस स्कूल के बारे में, कैसे हमने सोचा? हमारे जो अध्यापक हैं यहाँ के वो भी हमारे पास के गाँव के हैं और वहाँ वो हमारे को घर जाते बैठ जाते, ये काम करवाए जिस स्कूल के अंदर आपने करवाना है, तो हम भी घर आ जाते थे, पूरा कंप्लीट काम करा दिया। इसमें सोलर लाइट भी होगी, सब पंखे डैक्स, उस सोलर लाइट से क्या कुछ सिस्टम चलता है, पंखे चलते हैं सारे स्कूल के, पंखे चलते हैं उससे, तो गर्मी की समस्या है ही नहीं जी, गर्मी कोई समस्या नहीं, गाँव में बिजली नहीं होती लेकिन स्कूल में बच्चों के ऊपर पंखा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा स्कूल पक्का करवा रखा है टाइलों से। हाँ जी बिल्कुल सारा टाइल कर, यहाँ भी फर्स्ट है जी हमारा स्कूल, और किसी गांव में भी नहीं है। क्या कहते हैं जी आप? डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट है स्कूल। अच्छा जी। हाँ जी, सुंदरता के स्कूल, सुंदरता के भी और पढ़ाई के लिए स्कूल, और लाइब्रेरी के बच्चे हैं यहाँ, जो टीचर है वो एक किसी मुहिम चला रहे थे, बच्चा घर घर जाते हैं टीचर जी, हर प्राइवेट जैसे प्राइवेट वाले स्कूल वाले बच्चे लिखते हैं, ये खुद करते हैं टीचर, सबसे बड़ी बात है स्कूल में टीचर। चार गांवों की समस्या थी जी 20-25 साल से जी लाइट की, अब वो विधायक जी ने किरमट से सीधी हमारे गांव में जोड़ दी है, लाइन कट चुकी है, 15 दिन के अंदर अंदर लाइट चालू हो जाएगी जी। पहले आती थी बोर से कुरुक्षेत्र, जाती थी कुरुक्षेत्र से यहाँ, 1 घंटा भी चले थे कि लाइन गिर जाएगी। अब हमारे 3-4 गाँव लोग विधायक जी से बिल्कुल खुश है, ऐसा विधायक ना पहले कभी आया ना आएगा। हम तो कहते हैं कि बार बार सुभाष सुधा जी हमारे हल्के के विधायक बनते रहे और मंत्री बड़े भगवान, सुभाष सुधा जी के पुत्र यहाँ पे खड़े इसलिए उनकी बड़ाई चल रही ना, वो तो बाहर खड़े उन्हें पता भी नहीं जी क्या सुन रहे, ऐसी बात नहीं है जी। अच्छा जी, अगर मैं अगर अगर मेरे प्रूफ ले दो तो प्रूफ मैं देने को तैयार हूँ, रिकॉर्ड में लिया दूँ, अगर मेरे को पहला पता होता लिख के लियाता भाई मैं ये कहूँ। तो खुश है आप? बिल्कुल खुश, कोऑपरेट करते हैं हर जगह, बल्कि मेरी बिरादरी के खड़े हैं, मेरे ही साथी थे पहले जी, तो लोगों को विश्वास नहीं होता था कि भाई ये तो DD शर्मा के साथ जाएंगे,
लेकिन गांव में सभा में मैंने तीन वचन ओपन 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 कोई दिक्कत नहीं है कहा, चाहे सारे देश में कुआ लो, मैं विधायक सभा सुधा जी के साथ हूँ, साथ था और साथ रहूंगा। वाह जी वाह जी, बोलो बस जी, धन्यवाद जी। गांव की और कोई कमियां जो आपको लगता है कि यहाँ भी वो थोड़ी सी है, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी या हो जाएगी? नहीं, मेरे हिसाब से ठीक हो गया, संतुष्ट हूँ। संतुष्ट अब कोई इच्छा नहीं? कोई इच्छा नहीं, एक दो बड़ी रह रही जी, वो मैं बना दूँ, इतना जुगाड़ हमारे पास है जो माने थे जी, चौपाले बना दी जी इन्होंने सारी, गडरिया चौपाल, ब्राह्मण चौपाल, जोगी समाज चौपाल, कुमार चोला चौपाल, कश्यप चौपाल, 50 लाख तो हरिजन चौपाल बिरादरी के 50 लाख। आज तक पंजाबी समाजी किसी ने भी सदारा मेरे गांव में किसी ने आज तक ग्रांट दी? हरियाणा में ब्राह्मण धर्मशाला की आज तक जब से हो रहे आज तक ब्राह्मण धर्मशाला किसी ने ग्रांट दी? आज लोग कुछ खड़े हैं कह रहे हैं हम ब्राह्मण खड़े हो गए, ब्राह्मण बात करो जी, कभी बिरादरी पे वोट नहीं होती लेकिन काम पे वोट है भाई। जब मैं अलग से कोई अलग से वो नहीं हूँ, गाँव में मेरी गली जी, गली से लेके PSC SC से लेके सड़कों से लेके 1947 आजाद हुआ था हमारा देश, मेरी 3 सड़कें ऐसे कच्ची थी गाँव की कि हर चौटाला साहब मंत्री रह लिया 100 करोड़ा जी जी, इसमें स्पष्ट नाम आगे कोई वो नहीं है, रह के चले गए यहाँ से, मेरी सड़कों तरफ किसी ने नहीं वो करा था गाँव की। इब तो सिर्फ एप्लीकेशन भी देनी, सिर्फ विधायक जी के लड़के को दिखाना और तीसरे दिन काम कराने, वो काम चल रहा है। स्कूल का मेरा हाई स्कूल है जी, हाई स्कूल में जाके देखो क्या चीज़ है, कोई कॉलेज कुक्षेत्र में नहीं ऐसे जैसे मेरे गाँव में स्कूल प्राइमरी स्कूल में है, ये हाई स्कूल भी इससे बढ़िया बन रहा है, दोबारा ग्रांटी आई सारी, जहाँ भी व्यायामशाला है, जितने मेरे गांव की गलियाँ एसी को तो बोलना है, सिर्फ ब्राह्मण धर्मशाला के आज तक मेरे गांव में 600-700 सपोर्ट ब्राह्मण होंगे, लेकिन किसी ने आज तक धर्मशाला ग्रांट दी ब्राह्मण की? ये तो हमारे दूरा कहना वोट मांगी जाती है, हाँ वोट मांगी जाती है धर्मशाला किसी ने जो करी थी, सिर्फ सारे सुधर लगा जो सुभाष सुधा जी ने पहली डर के एक ही बार कहा सिर्फ आराम से, उसी को उसी टाइम उन्होंने फाइनल एक मांगने की जरूरत है सिर्फ, एक तो दुआ कबूल होती है इनके साथ तो गली हो जाती है, जो चीज़ है वो कह दो वो क्लियर, एक फ्री कहना है एक फ्री कहना है, एक तो आदमी को होता है कि बार बार चक्कर काटने की। CHC मेरे गांव में 30 साल से पड़ी थी, PSC तो पहले, अब CHC बन गई, अब CHC बन गई, PSC पड़ी थी, PSC 30 साल से ऐसे ही कभी कोई ऐसे रूल दिख रही थी जी जी, लेकिन सुभाष सुधा जी ने वो कह करा ना भाई, एक तो आदमी विधायक की उसमें एक PN का काम करना, सुभाष सुधा जी ने खुद फाइल लेके अपनी हमारे को पता लगा अभी PSC बजाय CHC आ गई, अरे इतने अभी काम करा था 9 महीने का टाइम दे रहा सुधा साहब जी ने उनको बनाने का, मैं कहता 9 महीने से पहले एक कंप्लीट हो जाए, मंडी का अभी मंडी का काम है, सुधा साहब ने मंडी का कह रखा अभी मंडी पक्की होने का वो कर रहे हैं, सिर्फ बोले अभी बोलिया गाँव साला जी मेरे गाँव में करोड़ों रुपये आ लिया सरकार की तरफ से, वो सरपंच साहब कर रहे अपने आप संतुष्ट हैं, मेरे गांव में संतुष्ट है, मैं फिर वही बात बिरादरी की आ गई, हम खुद ब्राह्मण बिरादरी से और हम खुद का कह रहे हैं सुभाष सुधा जी का आपने अभी दिया वो MP के इलेक्शन में भी, आपके भी विधायक इलेक्शन में ओपन खुली स्पोर्ट वोट स्पोर्ट खुली है, एक तो वैसे कहते हैं खुली बिल्कुल, तो भाई यहाँ पे ओपनली सब कुछ कहा जा रहा है और इलेक्शन आएगा 12 तारीख के बाद, फिर 23 भी आएगी, फिर देखेंगे कितना ओपन है कितना क्लोज है, लेकिन यहाँ पर जो लोग मैं जिनसे मिला यहाँ के है जिनसे भी मैं मिला खुले दिल के व्यक्ति हैं और खुले दिल से अपना समर्थन दे रहे हैं, चाहे कोई व्यक्ति अच्छा माने उसे या कोई व्यक्ति बुरा माने, क्योंकि जब काम होता है तो आदमी खुल जाता है और खुल के कहने में कोई बुराई भी नहीं है, कोई डर भी नहीं है, तो भाई चलो अब आगे चलेंगे, जहाँ पर हमें दिखेगा कुछ सामान है कुछ चीज़ें हैं दिखाने लायक तो हम जरूर दिखाएंगे, चाहे वो अच्छी है चाहे वो कैसी भी है। धन्यवाद, जय।